सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम करने वाले वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि आ जाता है हमारा स्टीफंस कॉलेज। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास, जब जैसे हम एंट्री करते हैं मेन गेट की, यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड आ जाता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और राइट साइड आ जाती है हमारी जो मेन कॉलेज की बिल्डिंग है वो। आपको यहाँ पर SBI का बैंक भी मिल जाएगा, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी काम करना है तो आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। जैसे आप मेन गेट की एंट्री करते हो, लेफ्ट साइड आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ गया, राइट साइड आपका आता है मेन गेट, जहाँ से आप अपनी जो मेन जो कैंपस की जो पूरा कॉलेज कैंपस है वहां पर आप एंट्री कर सकते हो। या आप जैसे ही आप एंट्री करोगे, यहां से जो फ्रंट व्यू आप आता है वो आपका कुछ इस तरीके से आता है। ये आपकी आ जाती है मेन बिल्डिंग, जो कि आप एंट्री करते ही आपको ये देखने को मिलेगी। कॉलेज आपका काफी पुराना है, मतलब बहुत ओल्ड टाइम पे बना हुआ है, तो बिल्डिंग आपकी बिल्कुल उसी तरीके से ओल्ड स्ट्रक्चर बनी हुई है। लेफ्ट वाली साइड पे जो मेन बिल्डिंग है उसकी लेफ्ट वाली साइड पे आता है आपका गर्ल्स हॉस्टल और राइट वाली साइड पे आ जाता है आपका बॉयज हॉस्टल। जो हॉस्टल है वो दोनों आपका कैंपस के अंदर ही आते हैं। सो दैट्स द मेन बिल्डिंग ऑफ स्टीफंस कॉलेज और यही आ जाता है उसका फ्रंट से। फ्रंट से आपका कॉलेज आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। कॉलेज आपका बहुत ही ज़्यादा प्यारा मतलब बना हुआ है, बिल्डिंग आपकी बहुत ज़्यादा प्यारी है। जो क्लासेज है और जो भी सारा सब कुछ है वो बिल्कुल एक ओल्ड आर्किटेक्चर और जो क्लासेज है मतलब सब कुछ एक ओल्ड आर्किटेक्चर की तरह बना हुआ है। बिल्डिंग भी काफ़ी आपकी पुरानी आती है। जो क्लासेज है वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है। सभी क्लासेज में आपको बोर्ड और जो आपका प्रोजेक्टर्स होता है सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्लासेज आपकी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये कुछ इस तरीके से आपकी क्लासेस आ जाती है। ये आपका मतलब कॉलेज का कुछ अंदर का एरिया। एंड यस, जो बच्चे यहाँ से मतलब पास आउट हो चुके हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में कुछ एडवाइस या सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई भी अपनी मेमोरी शेयर करना चाहते हैं, ताकि आने वाले जो ड्यू के स्टूडेंट्स हैं वो उसको मतलब कि एडवाइस उसको सुन सके, या फिर कोई मेमोरी है आपकी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स द मेन बिल्डिंग और यहाँ से आपका कुछ व्यू इस तरीके से आता है। सामने में आपका लॉन आ जाता है, जहाँ पर आप सर्दियों में बैठ के मतलब धूप सेक सकते हैं आपका मतलब कि जो सिंपल वर्ड में बोले सन किस कर सकते हैं। और यहाँ पर मतलब कि सामने आपकी कैंटीन है वो भी आपकी आती है। दैट्स द मेन बिल्डिंग। मेन बिल्डिंग में आपकी जो बेसिकली जो क्लासेज हैं, जो लैब्स हैं वो आपकी आती हैं और जो लेक्चर हॉल्स हैं वो सब आपका मेन बिल्डिंग में ही आता है। दैट्स द सेंटर एरिया ऑफ द मेन बिल्डिंग और यहाँ पर आपकी कुछ फोटोज़ लगी हुई है। मीन्स जैसे जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी तो उस टाइम पर मतलब जो इसके बैच मतलब फर्स्ट बैच, जो सेकेंड बैच और जो मेन मेन जो फेमस चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपकी सब कुछ आपको मिल जाएगी। काफ़ी ओल्ड कॉलेज है और मतलब कि काफ़ी फेमस कॉलेज है, तो मतलब इसके बारे में काफ़ी और भी डिटेल्स आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। बाकी स्पेशल मैंने इसकी एक डिफरेंट वीडियो भी बना रखी है, वो भी आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और कॉलेज की भी अगर आप कैंपस टूर देखना चाहते हो तो वो सब कुछ मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है। दैट्स द ऑडिटोरियम हॉल आपका स्टीफंस कॉलेज, काफ़ी प्यारा, ये भी एक बहुत अच्छा मतलब बहुत प्यारा बनाया हुआ है। कुछ इस तरीके से आ जाता है आपका ऑडिटोरियम ऑफ द स्टीफंस कॉलेज। दैट्स द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग। और ये आ जाता है आपका लॉन। लॉन मतलब जहाँ पर आपको थोड़ी देर आप बैठ के आराम कर सकते हैं। और ये आपकी आ जाती है कैंटीन। कैंटीन आपको मतलब कि जो स्टीफंस कॉलेज की कैंटीन है वो बहुत ज़्यादा प्यारी कैंटीन है और जो खाना है वो भी रीजनेबल प्राइस पर और टेस्ट मतलब आपको बहुत हाई आपका टेस्ट मिलने वाला है। मीन्स अगर आप कंपेयर करोगे जितने भी ड्यू कॉलेज है वहाँ पर जो सबसे बेस्ट जो आपका खाना मिलता है टेस्ट में टेस्ट वाइज वो आपका स्टीफंस कॉलेज में ही मिलता है। और ये आपकी मेन बिल्डिंग आती है सामने। और बैक वाली साइड आपका आ जाता है एग्जिट करने के लिए गेट। ये भी आपका यहाँ पर बना रखा है डिफरेंट टाइप से मतलब एक अलग ही बना रखी है यहाँ पर। और ये आ जाती है आपकी एस्ट्रोफिजिक्स की बिल्डिंग, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो साइंस ब्लॉक है उसके बैक में ये आती है। दैट्स द मेन पार्ट ऑफ द कॉलेज। ये बिल्कुल आपके सेंटर में और काफ़ी ये फेमस भी है। सो कुछ इस तरीके से आ जाता है आपका पूरा कॉलेज का कैंपस टूर। यहाँ से आपके आ जाता है जो प्लेग्राउंड है वो बास्केटबॉल कोर्ट और उसके सामने उसके साइड में आपका आ जाता है प्लेग्राउंड। और ये आपका ओपन कैफे है, यहाँ पर आप मतलब चाय और मतलब कि अगर कुछ बैठ के खाना खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खा सकते हैं।